अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मरी हिल स्टेशन। आज की शुरुआत एक अच्छे से व्यू से करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल रात हम मरी हिल स्टेशन आए थे और जिस जिस भाई ने कल का व्लॉग देखा है, अगर नहीं देखा था वो जाके देख लें पार्ट वन। और कल हम मरी आए थे तो अभी अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठ रहा हूँ और ये देखें माशाल्लाह हमारे बैल्कनी से व्यू। उठते ही हमने यहाँ का बिल्कुल सादा और बड़ा मशहूर नाश्ता किया, लाहौरी चने और फ्राइड एग। माशाल्लाह जहाँ भी आप नेचुरल व्यूज पाएंगे मरी में या किसी भी हिल स्टेशन पे जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी, तो इस तरह के परिंदों की आवाज़ आपको काफ़ी महसूस होगी। माशाल्लाह ये देखें कोयल की आवाज़ और कौन कौन से परिंदे हैं जिनकी आवाज़ें हैं। अच्छा, प्लान के मुताबिक हमने मरी में एक या दो रात स्टे करके मज़ीद आगे जाना था कुछ हिल स्टेशन, लेकिन एक अर्जेंट काम आन पड़ा जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा है। तो इस ट्रिप को एंड करने से पहले मैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाऊंगा। कल मैं निकलते हुए आते हुए मरी मैंने फुल करवाया था, आज फुल करवाऊँगा। इससे मैं आपको बता पाऊँगा कि मेरा आने जाने का जो मरी का ट्रिप था और सारा जो आपने कल के We'll be right back।
वन साइड जो ट्रिप है वो मरी का तकरीबन अगर आप फैज़ाबाद से काउंट करें तो 80-85-90 किलोमीटर पड़ता है, और यानी आपका 180 किलोमीटर मरी आना जाना पड़ जाता है, लाइक 200 किलोमीटर। लेकिन इस पर टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और गाड़ी पर भी काफ़ी ज़ोर आता है। सो आपको आने जाने में तकरीबन तीन से चार घंटे आपको आने जाने में मरी लग जाते हैं। और फ्यूल कितना लगता है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँ। अच्छा जी, भूख काफ़ी लगी हुई थी वापसी पे, तो हमने रास्ते में से तहजीब बेकर में से एक पावर बंच ले लिया वेजिटेबल सैलड का। पिंडी का मशहूर बूम बूम रोल, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। नॉर्मल डेज़ में इस्लामाबाद से मरी का रास्ता जो है वो आना जाना आपका 3 घंटे में इजीली हो जाता है नॉर्मल स्पीड पे, और अगर आजकल जाएंगे तो ड्यू टू ओवरहेड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन बालाको तो आपको तकरीबन 4-4.5 घंटे लगते। लास्ट चीज़ आपको बताता जाऊँ, मेरा फ्यूल कितना लगा। मेरा आने जाने का 21 लीटर का फ्यूल लगा 5,500 का, यानी 10-10.5 लीटर एक साइड से, और ये फुल AC ऑन करके हम 4 बंदे गए थे।